हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह व्रत 3 दिनों का होता है। इसमें वट वृक्ष के नीचे पूजा का विधान है। उत्तर प्रदेश बिहार समेत कई राज्यों में महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष के नीचे कच्चा सूत बांधकर 108 बार उसकी परिक्रमा करना होता है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें भी वट वृक्ष के नीचे पूजा के दौरान अर्पण करना पड़ता है। आइए जानते हैं काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से इन पूजा सामग्रियों के बारे में। देखिए, ये वट सावित्री पूजन जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक मनाया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां इनका पूजन करती हैं। इसमें सौभाग्य की सामग्री होती है। इसमें जो है बांस की टोकरी होती है, उसमें जो है चना रखा जाता है भींगा हुआ, उसमें कच्चा सूत होता है, हल्दी से रंग करके उस कच्चे सूत को 108 बार जो है बट वृक्ष पर लपेटती हैं सौभाग्यवती स्त्रियाँ। सिंदूर होता है, सौभाग्य के समान होते हैं, सौभाग्य की पिटारी होती है, पंखा होता है, मौसमी फल होता है। पूजन के लिए धूप हुआ, दीप हुआ, नैवेद्य हुआ, अगरबत्ती हुआ, इन तमाम तरह की चीज़ों से स्त्रियों के जो सौभाग्यवती स्त्रियों के चूड़ी हुआ, लाल वस्त्र हुआ, सौभाग्य की जितनी भी सामग्री है उनको अर्पित करके पूजन किया जाता है। फिर उन्हीं सामान को एक टोकरी में रख करके जो है बहुएं जो हैं अपनी सास को जो है बायन के रूप में उसको देती हैं। ये पूजन की विधि है।